दिए ना सारे रुक रुक में। हाँ भेज तो चुके हैं। चलो जान दो, रिएक्शन ऑफ फिनॉल वाले पार्ट में पहला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, सेकंड रिएक्शन नोट करो। रिएक्शन ऑफ फिनॉल वाले पार्ट में एक छोटा सा इनऑर्गेनिक टाइप का रिएक्शन है, हम लोग रिएक्शन विद जिंक डस्ट बोलते हैं नॉर्मली, मतलब ग्रेनुलेटेड टाइप का जिंक रहेगा उसी के साथ हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं। केवल रिएक्शन विद जिंक लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट इन जनरल ये वर्ड रहता है रिएक्शन विद जिंक डस्ट, तो थोड़ा ध्यान रखना। अगर हम लोगों को फिनॉल वाले पार्ट का रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ कराना है, या फिर फिनॉल का रिएक्शन अगर हम लोग जिंक डस्ट के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीटिंग, तो जो फिनॉल वाले पार्ट का OH ग्रुप है वो हट जाएगा और आराम से वहाँ पे बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब अगर बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप है उसको हटाना है तो हम लोग आराम से जिंक डस्ट वाले पार्ट का फॉर्मेशन कंसिडर, जिंक डस्ट वाले पार्ट के साथ रिएक्शन आराम से कंसिडर कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक टाइप का रिएक्शन है, याद रखना होगा सिक्वेंशियल रिएक्शन में इस चीज को फ्रिक्वेंटली यूज किया जा सकता है, नोट कर लो। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हेडिंग डाल देना रिएक्शन विद न्यूट्रल एफिसियल 3, और इस पार्ट को स्टार मार्क कर लेना क्योंकि इस चीज को हम लोग आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। अगर हम लोग कभी भी फिनॉल वाले पार्ट का आइडेंटिफिकेशन करना है, प्रैक्टिकल और इन केमिस्ट्री में इस चीज को रीड किया होगा तुम लोग, बुकलेट में दे रखा है ये चीज। अगर हम लोग को कभी भी फिनॉल को आइडेंटिफाई करना है, फिनॉल वाले पार्ट का मतलब बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप होना चाहिए। अगर बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप है, केवल इस OH वाले पार्ट को आइडेंटिफाई करना है, तो हम लोग न्यूट्रल एफिसियल 3 टेस्ट आराम से यूज कर सकते हैं। हाँ एक चीज है कि अगर इसमें बेंजीन के ऊपर कोई और ग्रुप रहा उसे कोई दिक्कत नहीं है, बट बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप रहना चाहिए। अगर इस तरह का फिनॉलिक यूनिट होगा तो हम लोग न्यूट्रल एफिसियल 3 के साथ आराम से रिएक्शन कंसिडर कर सकते हैं। मेंशन कर लेना आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिनॉल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिनॉल। और रिएक्शन वाला पार्ट ऑल्दो बहुत काम का तो नहीं है, बट फिर भी ध्यान रखने का है। अगर हम लोग इसका रिएक्शन FeCl3 के साथ कराते हैं तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में हम लोगों का जो Cl ग्रुप है, ये Cl ग्रुप वाला पार्ट हटेगा और हम लोगों का PHO- वाला पार्ट आराम से यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ये कंपाउंड वाला पार्ट इन जनरल वायलेट कलर टाइप का फॉर्मेशन कंसिडर करता है, मतलब जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है वायलेट कलरेशन होगा। तो ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हम लोग न्यूट्रल एफिसियल 3 के साथ रिएक्शन कराते हैं और वायलेट कलर का फॉर्मेशन होता है, तो उस केस में हम लोग आराम से न्यूट्रल एफिसियल 3 से टेस्ट पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं, और ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोग का फिनॉल वाले यूनिट का आइडेंटिफिकेशन हो गया। थोड़ा ध्यान रखना इस रिएक्शन को। फिनॉल के इस रिएक्शन के बाद फिर हम लोगों का एक ये रिएक्शन है, ऑल्दो बहुत काम का तो नहीं है बट चलो फिर भी ध्यान रखना है रिएक्शन वाले पार्ट को। रिएक्शन विद MeO S डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ वाले पार्ट में OMe, इस टाइप के हम लोग ग्रुप की बात कर रहे हैं। मतलब थोड़ा यूनिक टाइप का एक रिएक्शन है, रिएजेंट है, हो सकता है कहीं तो इस तरह का रिएजेंट तुम लोग को दिखाई दे, बट रिएक्शन बहुत सिंपल सा है। सिंपली हम लोगों को यहाँ पे SN2 रिएक्शन कैरी आउट करना है, और SN2 रिएक्शन इसीलिए हो जाएगा क्योंकि हम लोगों का ऑक्सीजन का जो लिविंग ग्रुप वाला पार्ट है, ये पोर्शन, ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। अगर यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करके वो माइनस बनाते हैं तो दो जगह रेजोनेंस में जा सकता है ये चीज, मतलब लिविंग ग्रुप एबिलिटी काफी हाई होगा। आराम से हम लोगों का PH वाला पार्ट जो है इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके मिथाइल के ऊपर यहाँ से इस लिविंग ग्रुप वाले पार्ट को हटाएगा। तो हो सकता है कि सेम रिएजेंट ना दे रखा हो सकता है कि रिएजेंट में थोड़ा वेरिएशन कर दे, मिथाइल रहेगा यहाँ पे बट मिथाइल के अलावा बाकी सारे जगह पे हम लोग अलग अलग ग्रुप्स की बात करेंगे। ये सारे के सारे चीजें हम लोग अलग अलग ग्रुप्स के फॉर्मेट में करते हुए काम कर रहे होंगे। तो इस तरह के सिनेरियो में हम लोग कुछ करना नहीं है, बस मिथाइल वाले पार्ट पे हम लोगों का SN2 रिएक्शन हो सकता है, ये हम लोगों को कंसिडर करना है। प्रोडक्ट वाले पार्ट में हम लोग का PHO और ऑक्सीजन वाला पार्ट लोन पेयर कोऑर्डिनेट किया मिथाइल के ऊपर, तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप का एडिशन हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन वाला पार्ट कंसिडर कर सकते हैं, और यहाँ से H+ को हटा करके हम लोग आराम से एनिसोल का फॉर्मेशन करा लेंगे, कॉमन नेम। बेंजीन के ऊपर अगर मिथाइल सॉरी ऑक्सीजन के ऊपर मिथाइल ग्रुप है तो एनिसोल कॉमन नेम, आराम से वर्ड मेंशन कर सकते हैं।
ये रिएक्शन ऑल दो मतलब फिनॉल का कोई स्पेसिफिक रिएक्शन बोलना ज्यादा सेंसिबल चीज नहीं होगा, इस चीज को हम लोग एक जनरल रिएक्शन के जैसा कंसिडर कर सकते हैं, नॉर्मल SN2 रिएक्शन है, बस हम लोग ऐसा रिएजेंट देखा नहीं करते हैं इसलिए ध्यान में नहीं रहता है, तो इसलिए इस रिएक्शन को थोड़ा ध्यान रखने का है। उसके बाद एक छोटा सा रिएक्शन है जो अपने को ध्यान रखना है, ऑल्दो मतलब ये भी तुम्हारा रिएक्शन ऑफ फिनॉल तो ज्यादा हम लोग इम्पोर्टेंट नहीं कंसिडर करेंगे, मतलब फिनॉल के रिएक्शन के जैसा हम लोग कंसिडर करते हुए काम नहीं करते हैं, हम लोग इस चीज को आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिनॉल के जैसा देखे तो लोग ज्यादा बेटर कंसिडर कर सकते हैं, मतलब अगर हम लोग को फिनॉल वाले पार्ट को आइडेंटिफाई करना है तो हम लोग आराम से इस पार्ट को कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। हाँ एक चीज है कि जब हम लोग फिनॉल के ही यूनिट को दूसरे तरह के ग्रुप से डिस्टिंग्विश करना चाहेंगे तो हम लोगों का इस तरह का रिएक्शन थोड़ा काम का होगा, ऐसा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। और इसमें जैसे हम लोग मेंशन कर लो, पहले तो रिएक्शन का नाम मेंशन कर लो फिफ्थ नंबर वाले पार्ट में, लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, रिएक्शन वाले पार्ट में हम लोग फिनॉल का रिएक्शन पहले स्टेप में NaNO2 के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। और एक चीज तुम लोगों को अब तक याद हो गया होगा या शायद नहीं भी याद है तो फिर से बता रहे हैं, जब हम लोग डायजोटाइजेशन रिएक्शन कराते थे तो उस केस में NaNO2 के साथ HCl यूज करते थे और उस केस में हम लोगों का इंटरमीडिएट NO+ आया था, जो NO+ इंटरमीडिएट आया था वो तो नाइट्रोजन के साथ कंबाइन कर गया था क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर काफी अच्छा बेसिक स्ट्रेंथ शो करता है, बट क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में है तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ उतना अच्छा नहीं रहेगा, इनफैक्ट अगर तुम लोग को ध्यान हो तो कंपाउंड वाला पार्ट स्लाइटली एसिडिक नेचर का है ऐसा हम लोग बोल रहे हैं, तो इस केस में नाइट्रोसो वाला ग्रुप एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा और जब इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव करता है तो उस केस में हम लोगों के 12 पोजीशन वाले पार्ट पे हम लोग नाइट्रोसो ग्रुप को आराम से लगा सकते हैं, पहले तो ये चीज होगा। उसके बाद वाले स्टेप को थोड़ा ध्यान रखने का है, उसके बाद एक और मोल फिनॉल का रिएक्शन होगा और जो फिनॉल वाले पार्ट का रिएक्शन होगा उसमें हम लोगों का कुछ इस तरह का रिएजेंट निकल के आता है, इस एक रिएक्शन का थोड़ा ध्यान रखना, मतलब इस तरह का एक रिएजेंट निकल के आएगा जिसमें नाइट्रोजन वाले पार्ट के साथ हम लोग डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बेंजीन रिंग वाला कार्बन और जो यहाँ का OH वाला ग्रुप है ये OH वाले ग्रुप को हम लोग डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके रख दिया। रिएक्शन कुछ इस टाइप से होता है, इनफैक्ट जब तुम लोग एक बार ट्राई करके देखना, अपने नोट्स को अपने पलट के देखना, फिनोफ्थलीन का स्ट्रक्चर दे रखा होगा, जब बेंजीन रिंग वाले पार्ट को पढ़ेंगे तो वहां पे फिनोफ्थलीन का स्ट्रक्चर दे रखा होगा, उस केस में ऑलमोस्ट ऐसा रहेगा कि पहले यहाँ से OH वाले पार्ट से हम लोग यहाँ से H+ हटाते हैं नेगेटिव चार्ज, ये चीज रेजोनेंस में गया, जब रेजोनेंस में जाएगा तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर और रेजोनेंस में गया तो यहाँ माइनस चार्ज, और यहाँ का माइनस चार्ज वाला पार्ट हम लोगों के साथ एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करना शुरू करता है, तो ये नाइट्रोजन वाला पार्ट अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन से अटैच्ड है, तो वो जो बेसिक फंडा है एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड है तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के जैसा बिहेव कर सकता है, तो यहाँ का नेगेटिव चार्ज पहले इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा, फिर उसके बाद हम लोगों का यहाँ पे जो एक H है वो भी हटेगा तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इस तरह का लेकिन मैकेनिज्म हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, मतलब बात नहीं करते हैं, बस सिंपली ये रिएजेंट ध्यान रखना कि हम लोग ऐसा नाइट्रोजन के साथ कार्बन डबल बॉन्ड वाला पार्ट निकल के आएगा, इस कंपाउंड का कलर रेड निकल के आता है, इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना सबसे पहले स्टेप में। और उसके बाद जब हम लोग इसी चीज को बेसिक मीडियम में डालते हैं तो किसी भी बेस में जब इस चीज को डालेंगे, मान लो कि हम लोग बेस में ना भी डालें नॉर्मल वाटर में भी रखें तो भी हम लोग के यहाँ से H+ का डिसोसिएशन होगा, इसलिए डिसोसिएशन होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट बहुत लंबे रेजोनेंस में जा सकता है, तो इस केस में जो हम लोग यहाँ पे H+ वाला पार्ट है अगर उसको हटा दें और हटाने के बाद बेसिकली मतलब NaOH के साथ रिएक्शन करा दें तो उस केस में जो ONA बनेगा और नीचे वाले पार्ट पे हम लोग का ये स्ट्रक्चर है N डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऐसा ऑक्सीजन वाला पार्ट, इस चीज का कलर ब्लू निकल के आता है,
तो हम लोग इस चीज को लीवर में नाइट्रोसो टेस्ट बोलते हैं कि जब हम लोग NaNO2 के साथ रिएक्शन कराए और फिर फिनॉल वाला पार्ट एक्सेस में ही रहेगा, तो उस केस में पहले हम लोग को रेड कलर का फॉर्मेशन मिलेगा और जो रेड कलर वाले कंपाउंड उसको जब बेस में डाले तो हम लोग को ब्लू कलर का फॉर्मेशन मिलेगा। इस चीज को हम लोग लीवर में नाइट्रोसो टेस्ट आराम से बोल सकते हैं। जनरली एक तो ये एनसीईआरटी में दे नहीं रखा तो इसलिए कहीं पे यूज में नहीं आएगा, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। और दूसरा एक और चीज ये है, जैसे मान लो कि ऐसा सवाल दे रखा कि हम लोगों को इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना है, ये दो कंपाउंड्स हैं, इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना है, तब क्या करें? मतलब इन दोनों कंपाउंड्स को अगर डिस्टिंग्विश करना है तो हम लोग FeCl3 टेस्ट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि पहला भी FeCl3 टेस्ट पॉजिटिव देगा, दूसरा भी FeCl3 टेस्ट पॉजिटिव देगा। अगर दोनों FeCl3 टेस्ट पॉजिटिव देगा तब क्या करें? तब हम लोग लिवर में नाइट्रोसो टेस्ट यूज कर सकते हैं। पहले वाले केस में लिवर में नाइट्रोसो टेस्ट होगा, दूसरे वाले केस में नहीं होगा, तो हम लोग इन दोनों कंपाउंड्स को आराम से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। बट ये रिएजेंट उतना काम का नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, हमको ध्यान नहीं है कि लास्टली ये रिएजेंट कब यूज किया गया है, उसके लिए उतना काम का नहीं है, बट फिर भी नोट करने लायक है ताकि हम लोग ऐसे डिफरेंसेस क्रिएट कर पाए। नोट कर लो। और इन सब रिएक्शंस के बाद दो तीन छोटे छोटे और एक्चुअल में छोटे रिएक्शंस तो नहीं है, एक रिएक्शन छोटा है, बाकी रिएक्शन बहुत बड़ा है। ये सब नेम रिएक्शन का पार्ट है, एक तुम्हारा कोल्ब-स्मिट रिएक्शन और दूसरा तुम्हारा रिवर ट्रीमन रिएक्शन। ये दो रिएक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे नेम रिएक्शन वाले पार्ट में। एक्चुअल में दोनों रिएक्शन ऑलमोस्ट सेम है, मतलब रिवर ट्रीमन रिएक्शन एक बार डिस्कस कर लेंगे तो कोल्ब-स्मिट रिएक्शन बहुत ही ईजी टाइप का रिएक्शन है। एक जगह पे हम लोग का सैलिसाइलल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, एक जगह पे हम लोग का सैलिसाइलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो ये दोनों रिएक्शंस क्या है कि हम लोग नेम्ड रिएक्शन में मेंशन करेंगे, यहाँ चीज का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि नेम्ड रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट भी है, तो वहाँ पे आराम से डिस्कशन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर रखेंगे तो भूल जाएगा सब लोग, नेम्ड रिएक्शन में रखेंगे तो बार बार पढ़ने से याद रहेगा। तो इसके बाद फिर हम लोगों का लास्ट रिएक्शन वाला पार्ट बचता है एरोमेटिक कंपाउंड में, एनिलीन वाला पार्ट। नोट करने के बाद रिएक्शन नोट कर लो। फिनॉल के रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस और होंगे तुम्हारे बुकलेट में, जिसमें एक फ्राइज रीअरेंजमेंट और क्लेजन रीअरेंजमेंट का सवाल दे रखा है, और वो भी तुम्हारे एनसीईआरटी में दे नहीं रखा, काम का नहीं होगा, बट नेम रिएक्शन में उन दोनों रीअरेंजमेंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जब नेम रिएक्शन आएगा तभी वो सारे पॉइंट्स आएंगे, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड का बहुत सारा पार्ट जो होगा वो नेम रिएक्शन में कवर होगा। जैसे हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है वो एनिलीन का भी रिएक्शन, तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में भी डिस्कस कर सकते हैं, एनिलीन में भी डिस्कस कर सकते हैं, बट हम लोग उसको नेम रिएक्शन में डिस्कस करेंगे क्योंकि वो केवल एनिलीन का रिएक्शन नहीं है, वो थोड़ा जनरल टाइप का रिएक्शन है। तो अगर इतने पार्ट को नोट डाउन कर लिया होगा तो हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, रिएक्शन ऑफ एनिलीन। सर एक डाउट है। बोलो सर, जैसे उस OH में O का लोन पेयर जा रहा रेजोनेंस में, तो एनिलीन में भी तो जा सकता है सर लोन पेयर? हाँ बिल्कुल जा सकता है। एनिलीन में नहीं जाता है क्या? बता जल्दी, एनिलीन में नहीं जाता है क्या? सर वही तो बोल रहे, तो भी तो लो बेसिक करेक्टर शो करेगा फिर। अब ये एक पॉइंट हो सकता है, जैसे मान लो कि नाइट्रोजन वाले पार्ट में और फिनॉल वाले पार्ट में ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका है, ऐसा कंपैरिजन हम लोग कर चुके हैं। सॉरी बेसिक स्ट्रेंथ बोल रहे, बेसिक स्ट्रेंथ, ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसका होता है? तो नाइट्रोजन डोनर एटम है, ऑक्सीजन डोनर एटम है, नाइट्रोजन डोनर एटम में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा रहेगी, तो NH2 एनिलीन वाले पार्ट का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू OH। तो बेसिक स्ट्रेंथ कहाँ से आ रहा है? यहीं से निकल के आ रहा है, इसी के हिसाब से हम रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हैं, इसीलिए इसका भी बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा, ऑक्सीजन का भी बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा, लेकिन क्योंकि नाइट्रोजन का बेसिक स्ट्रेंथ ऑलरेडी बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो इसकी इसमें डिक्रीज होने के बाद भी इसका बेसिक स्ट्रेंथ हाई ही रहेगा, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। इनफैक्ट लसम इफेक्ट भी इसका ज्यादा है क्योंकि ओवरऑल इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, बट ऐसा सोच लो ना कि ये इसके पास ₹100 दे सकता है और ये पार्ट ₹85 दे सकता है, तो 100 में से नीचे अगर हम लोग 25 भी दे दें तो इसके पास 75 बचा रहेगा,
और यहाँ से अगर हम लोग 20 भी दे दें या फिर 15 भी दे दें तो भी इसका वैल्यू नीचे निकल के आ जाएगा। तो इस टाइप का कंपेरिजन है कि हम लोग NH2 भी लोन पे रेजिडेंस में दे रहा है, लेकिन ऑलरेडी क्योंकि उसका पहले से बेसिक स्ट्रेंथ अगर ज्यादा है तो लोन पे रेजिडेंस में भी ज्यादा अमाउंट में जा रहा है तो भी वैल्यू बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं कर पा रहा है। ओवरऑल अमाउंट इसका बेसिक स्ट्रेंथ का ज्यादा ही निकल के आता है, इसलिए नाइट्रोजन वाले पार्ट का लोन पे आराम से आगे रेजिडेंस में जा सकते हैं, मतलब सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में हेल्प कर सकता है। और ये जो चीज है ये थोड़ा मतलब डिपेंड करता है सामने वाले रिएजेंट के ऊपर भी, ऐसा नहीं बोल रहे कि फिनॉल वाला पार्ट बेस के जैसा बिहेव नहीं कर सकता, फिनॉल भी बेस के जैसा बिहेव कर सकता है, लेकिन फिर सामने वाले को ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होना पड़ेगा। अगर ये पार्ट ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड हो गया तो ऑक्सीजन का लोन कर्व यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ के जैसा बिहेव करेगा। जैसे लास्ट क्लास में अगर तुम लोग को याद हो फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन बताए थे तो बोले थे फिनॉल वाला पार्ट और एनिलीन वाला पार्ट ये दोनों फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं क्योंकि ये पार्ट AlCl3 के साथ कंबाइन करके ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनाता है। तो इस तरह के केस में तो ऑक्सीजन का ही लोन पेयर जा रहा है, इसका मतलब ये पार्ट एज अ बेस ही बिहेव कर रहा है, तो बेस के जैसा बिहेव कर सकता है लेकिन डिपेंड करता है अलग अलग रिएजेंट्स में अलग अलग रिएक्टिविटी का फैक्टर थोड़ा रहेगा। चलो हेडिंग डालो रिएक्शन ऑफ एनिलीन। एनिलीन वाले पार्ट में भी रिएक्शन हम लोगों के सिमिलर टाइप के हैं मेरे हिसाब से, तो इसमें कुछ नया रिएक्शन रहेगा भी नहीं एनिलीन के रिएक्शन वाले पार्ट में। जैसे जो नेम रिएक्शन वाला पार्ट है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन वाला पार्ट है या बाकी जो भी रिएक्शन वाले पार्ट है, तो वो सब रिएक्शन तो हम लोग नेम रिएक्शन वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे, तो उन सब चीजों में तो यहाँ पे कुछ नया निकल के नहीं आएगा। हाँ ये है कि हम लोग के रिएक्शन वाले पार्ट में हम लोग बस ये चीज थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करेंगे कि हम लोग एक डायोटाइजेशन रिएक्शन वाले पार्ट के यहाँ पे इसका मेन रिएक्शन कंसिडर करते हैं, बाकी वही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाले पार्ट में पहले ब्रोमिनेशन कराया, सल्फोनेशन कराया, नाइट्रेशन कराया, जो जो एक करके रिएक्शन कराते थे वही चीज है। एक दो पॉइंट हर जगह पे थोड़ा हम लोग को मिल के आएगा जिसको हम लोग को एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब उसके अलावा यहाँ पे एनिलीन वाले पार्ट में ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट रिएक्शन निकल के नहीं आता है। तो एक तो हम लोग डायोटाइजेशन रिएक्शन पहले ही पढ़ चुके हैं तो उसको बस हम सबसे सिंपली मेंशन कर दे रहे हैं, फटाफट नोट करते जाओ इस चीज को। डायोटाइजेशन रिएक्शन वाले पार्ट में हम लोगों का एक तो एनिलीन वाला पार्ट है, और एनिलीन वाले पार्ट का रिएक्शन जब हम लोग NaNO2 के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl या फिर हम लोग कॉन्क HNO2 के साथ कराते हैं, तो इस केस में हम लोगों के पार्ट में आराम से N2+Cl- का फॉर्मेशन होता है, मतलब डायोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्शन हम लोग अलग से पढ़ चुके हैं तो इसमें हमको लगता है कि टाइम खराब करने का ज्यादा कोई मतलब नहीं होगा पहला चीज। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में थोड़ा बहुत हम लोग टाइम खराब करेंगे, उसमें भी क्योंकि फिनॉल पढ़ चुके हैं तो रिपीटिशन होगा, बस सल्फोनिक एसिड से जब रिएक्शन है तो वो एक थोड़ा सा पार्ट रहेगा जो हम लोग को ध्यान रखने का है पहला चीज, और दूसरा उसके अलावा फिर हम लोगों का ब्रोमिनेशन वाला पार्ट एग्जैक्टली सेम टाइप का है तो ब्रोमिनेशन में कहीं कोई डिफरेंस निकल के नहीं आने वाला है, ब्रोमिनेशन वाला पार्ट एग्जैक्टली सेम ही प्रोडक्ट देने वाला है तो उसमें हम लोग कुछ भी नया निकल के नहीं आने वाला। एक नाइट्रेशन वाला पार्ट जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो नाइट्रेशन वाला पार्ट को अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो उस केस में हम लोगों का जो रिएजेंट है वो बेसिकली एक मेटा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कराता है, ये एक पॉइंट हम लोग को थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना होता है। तो हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सारे तो सिंपल टाइप के रिएक्शन ही डिस्कस करेंगे, बस एक पार्ट हम लोग का मॉडिफिकेशन में चला जाएगा। हेडिंग डाल देना सेकंड पार्ट में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसके अलावा एनिलीन के जो बाकी रिएक्शंस है वो सारे रिएक्शंस बेसिकली जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं आइदर वो रिएक्शंस है और नहीं तो बाद में जो रिएक्शंस आएंगे वो रिएक्शन है। प्रिपरेशन का मेथड भी डिस्कस करने का ज्यादा कोई लॉजिक नहीं है, बस सिंपली अगर हम लोग पहले नाइट्रेशन कराए, नाइट्रेशन कराने के बाद इसका रिडक्शन करा दिया, तो रिडक्शन में LiLH4 लेके चल लो, Fe+HCl लेके चल लो या फिर SN+HCl लेके चल लो, पहले डिस्कस कर चुके हैं तो एनिलीन का फॉर्मेशन होगा। तो इस केस में हम लोग को ज्यादा कुछ सोचने का नहीं है। एक रिएक्शन है कि अगर हम लोग अमाइड लेके चले C(OH)NH2 और इसमें अगर हम लोग हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन कराते हैं NaOH वाले पार्ट के साथ अगर हम लोग Br2 का रिएक्शन कराते हैं तब इस केस में हम लोगों को एनिलीन वाले पार्ट का फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो ये एक रिएक्शन नेम रिएक्शन का पार्ट है, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करना ज्यादा प्रीफर नहीं करेंगे तो कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि ये थोड़ा एक जनरलाइज्ड रिएक्शन है। तो एनिलीन का भी फॉर्मेशन हो सकता है और अगर यहाँ कार्बन चेन होगा तो यहाँ पे अमाइन का भी फॉर्मेशन हो सकता है, तो कोई एनिलीन का बहुत पार्टिकुलर मेथड नहीं है ये,
इसलिए इसको यहाँ पे डिस्कस करने का कोई लॉजिक बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। मतलब अब प्रिपरेशन में कुछ यूनिक मेथड हो तो चलो समझ में आता है कि हाँ ये बिल्कुल यूनिक मेथड था तो हम लोग प्रिपरेशन इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फिनॉल में जो हम लोग क्यूमीन वाले पार्ट की बात कर रहे थे, तो बहुत स्पेसिफिक रिएक्शन था उसको डिस्कस कर लिया। जो हम लोगों का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन वाला पार्ट था, बहुत ही स्पेसिफिक रिएक्शन था, उस चीज को डिस्कस कर लिया। डाउस प्रोसेस बहुत ही स्पेसिफिक रिएक्शन था, उस चीज को डिस्कस आराम से कर सकते हैं। बेंजाइन मैकेनिज्म हम लोग बोल सकते हैं, बट बेंजाइन मैकेनिज्म भी एक जनरल मैकेनिज्म है, तो उसको भी इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा है। वो उस रिएक्शन को एज अ रिएक्शन याद रखना ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन। वो प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन का पार्ट है, बट उसको बेंजाइन मैकेनिज्म के जैसा याद रखो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें बेंजाइन से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो अपने काम के हैं। तो उसको उस रिएक्शन के जैसे याद रखो, उसको एनिलीन के प्रिपरेशन के जैसे याद रखने का ज्यादा अच्छा लॉजिक नहीं रहेगा, हम सजेशन नहीं देंगे। बाकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाले पार्ट में सबसे पहला रिएक्शन हम लोगों का हैलोजिनेशन। आज आदित्य एक सवाल पूछा था और वो सवाल का आंसर डेफिनेटली गलत दे रखा होगा, पता नहीं उसमें आंसर क्या दे रखा था वो तो नहीं पता। बट अगर हम लोग हैलोजिनेशन कराते हैं तो जैसे नॉर्मल हैलोजिनेशन है वही चीज है, लास्ट क्लास में बताया था कि अगर Br2 के साथ हम लोग CH2 का रिएक्शन कराते हैं तो उस केस में हम लोगों को जब यहाँ पे नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा CH2 के जैसा, तब उस केस में हम लोगों को एक ब्रोमिनेशन मिलेगा। एक ब्रोमीन वाला पार्ट आइदर ऑर्थो पोजिशन पे लगेगा या फिर एक ब्रोमीन वाला पार्ट पारा पोजिशन पे लगेगा। शायद वो बोल रहा था कि दोनों में सेम आंसर दे रखा है, अब एग्जैक्टली क्या आंसर दिया है तो हमको नहीं मालूम। बट लास्ट क्लास में जैसे फिनॉल में मेंशन किए थे कि अगर हम लोग ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराने पे हम लोगों को ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव का फॉर्मेशन मिलेगा, और ये चीज व्हाइट प्रेसिपिटेट के जैसा एग्जिस्ट करता है। हम इसको व्हाइट कलर से लिख देते हैं, ये चीज व्हाइट प्रेसिपिटेट के जैसा एग्जिस्ट करता है। तो ये दो रिएक्शन है जो फिनॉल में भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। शायद जो क्वेश्चन आदित्य डाला था ग्रुप में उसमें कोई एक ही आंसर दोनों में दे रखा था, तो शायद आंसर गलत दे रखा होगा, उसको करेक्शन कर लेंगे हम लोग, ज्यादा बेटर है। बाकी फिनॉल में सेम रिएक्शन हम लोग डिस्कस किए थे, कुछ भी यहाँ पे नया पार्ट नहीं है, नोट करते जाओ। और ऊपर वाले रिएक्शन को नोट करने के बाद सेकंड पार्ट हम लोग का सल्फोनेशन। सल्फोनेशन वाले पार्ट में जब हम लोग पहले स्टेप में एनिलीन वाले पार्ट का रिएक्शन कॉन्ग H2SO4 के साथ कराएंगे, तो उस केस पे हम लोगों के रिएक्शन वाले पार्ट में थोड़ा एक यूनिक चीज होता है। यहाँ पे H+ वाला पार्ट नाइट्रोजन के ऊपर एड होकर के सबसे पहले स्टेप में NH3+ का फॉर्मेशन होता है, जिसके बाजू में SO3H- वाला पार्ट, सॉरी SO4H, SHO4- लिख देते हैं, HSO4- इसका एडिशन होता है। सबसे पहले स्टेप में हम लोग ये चीज कंसिडर करते हैं, और उसके बाद हीटिंग करने पे हम लोगों का NH2 के रिस्पेक्ट में SO3H वाला पार्ट पारा पोजिशन पे लगता है। तो ये रिएक्शन का थोड़ा ध्यान रखना, पहले स्टेप में ये इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा और हीटिंग करने पे अपने आप पारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। इस चीज को हम लोग शायद सल्फानिलिक एसिड बोलते हैं, एक बार नाम कंफर्म कर लेना, शायद NCERT में एक बार कंफर्म कर लेना ये वर्ड, हमको जहां तक ध्यान है सल्फानिलिक एसिड ये होता है, बट एक बार NCERT में तुम खुद से कंफर्म कर लेना। बट इसमें ध्यान रखना स्टेप का, पहले स्टेप में ये चीज बनता है। तो कभी कभी ऐसा रिएक्शन देखे हैं कि एनिलीन के ऊपर CONG-H2SO4 का रिएक्शन ना देखिए सीधा ये रिएजेंट दे दिया और इसका हीटिंग करके प्रोडक्ट बनाने बोला है, तो मालूम होना चाहिए, ये दोनों पार्ट मालूम होना चाहिए। हम लोग CONG-H2SO4 के साथ रिएक्शन करा के ऐसा इंटरमीडिएट बनाते हैं जिसमें हम लोग हीटिंग करने पर आराम से प्रोडक्ट बना सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग के पास थर्ड रिएक्शन आएगा नाइट्रेशन का। नाइट्रेशन वाला पार्ट एनिलीन में थोड़ा इम्पोर्टेंट निकल के आ जाता है, दो रीजन से इम्पोर्टेंट निकल के आएगा। पहला तो ये कि हम लोगों का एनिलीन वाला जो पार्ट है
उसमें हम लोगों के पास अगर हम लोग कॉन्ग HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो हम लोगों का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट तो मेजर निकल के आएगा, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। बट इस ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट के होने के अलावा हम लोगों का एक यूनिक चीज ये होता है कि हम लोगों का NH2 ग्रुप प्लस M ग्रुप है, मतलब ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होगा। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है तो ये मेटा प्रोडक्ट तो बनना नहीं चाहिए, बट एक तो मेटा प्रोडक्ट बनता है पहला चीज, और मेटा प्रोडक्ट बनने के साथ साथ मेटा प्रोडक्ट का जो अमाउंट है ये 47% के अराउंड रहता है, नियर अबाउट। मतलब ये पार्ट मेजर प्रोडक्ट है और ये पार्ट 47% है, मतलब बाकी पार्ट तो मुश्किल से 5-10% निकल के आएगा। तो ये एक चीज क्यों होता है ये थोड़ा ध्यान रखना है। ये हम लास्ट क्लास में बोले हुए थे, स्नेहा एक सवाल पूछी थी जिसमें ऐसा मेंशन कर रखा था कि इसमें मेटा पोजिशन पर हम लोग नाइट्रेशन करा रखते हैं। इस एक पार्टिकुलर चीज का हम लोगों को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है, ये पार्ट हम लोगों का मेटा प्रोडक्ट है जो कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है नहीं तभी भी बन रहा है। ऐसा क्यों बन रहा है उसके पीछे रीजन अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, और इसका अमाउंट 47% के नियर अबाउट बनता है। नोट कर लो रिएक्शन। और रिएक्शन में रीजन ध्यान रखना है, रीजन तुम्हारे स्कूल के लिए भी जरूरी रहेगा, मेंस एडवांस के एग्जाम के लिए हो सकता है जरूरी हो, जरूरी बहुत ज्यादा तो नहीं रहेगा। चलो ध्यान दो रीजन वाले पार्ट पे, जैसे ऊपर वाले केस में हुआ था सल्फोनेशन में, ये पहले H+ का एडिशन हो गया था NH2 के ऊपर और NH3+ बन गया था, सेम चीज यहाँ पे होता है। हम लोग कॉन्ग HNO3 लेके चले केवल, या HNO3+ H2SO4 लेके चले, जो हम लोग का NH2 ग्रुप है उस पर प्रोटोनेशन होगा, NH3+ में कन्वर्ट होगा, और NH3+ माइनस आई में बहुत स्ट्रॉन्ग आता है। तो माइनस आई ग्रुप इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि माइनस आई वाला पार्ट मेटा डायरेक्टिंग बिहेवियर शो करना शुरू कर देता है। तो यहाँ वाले पार्ट में वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप, देयरफॉर मेटा डायरेक्टिंग आराम से कंसिडर कर सकते हैं। मतलब रिएक्शन वाले पार्ट में हम लोग केवल NH3+ के फॉर्मेशन के वजह से, माइनस आई इंड्यूस होने की वजह से आराम से मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। थोड़ा इस चीज का ध्यान रखना है अपने को, नोट कर लो। तो ध्यान रखना थोड़ा, ये तुम्हारे एरोमेटिक कंपाउंड का पार्ट है जिसमें हम लोग का फिनॉल और एनिलीन का थोड़ा स्पेसिफिक केसेस अलग से ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके अलावा फिर अब हम लोगों का केवल एक नेम रिएक्शन का पार्ट बाकी रह गया है, और नेम रिएक्शन के अलावा एक छोटा सा पार्ट ये भी बाकी रह गया है हम लोगों का, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट, मुश्किल से दो लेक्चर का चीज है। और उसके अलावा एक पार्ट हम लोग का बाकी है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वाला पार्ट, जो हम लोग के कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन है, हम लोग उस चीज की बात कर रहे हैं। तो हम आज तुम लोगों का पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वाला पार्ट शुरू कर देते हैं, मतलब एल्डिहाइड कीटोन का जो रिएक्शन है पहले उस चीज को खत्म कर देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग, आज कितना टाइम हो गया, 50 है ना,
नहीं चलो ठीक है, पहले हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं तुम लोगों का। इस टॉपिक को हम अलग से ही पढ़ाया करते हैं, लेक्चर नंबर 48 ही है बेसिकली। एक छोटा सा टॉपिक है 48 नंबर लेक्चर में, जिस चीज को हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं, थोड़ा इस चीज का ध्यान रखना। एक्चुअल में कोई इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म तो है ही, लेकिन रिएक्शन मैकेनिज्म के अलावा बहुत ही इंडिपेंडेंट टाइप का रिएक्शन है, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। तो रिएक्शन वाले पार्ट में जो रिएजेंट है वो भी ध्यान रखना है, कहीं कहीं पे बिना रिएजेंट के भी अपना काम हो जाता है, ये हेडिंग का थोड़ा ध्यान रखना है। डीकार्बोक्सिलेशन एक्चुअल में टॉपिक बहुत ही छोटा है, लेकिन इसमें क्वेश्चंस के जो टाइप है वो बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, तो थोड़ा फास्ट हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करते चले जाएंगे। क्वेश्चंस में बहुत टाइप के क्वेश्चंस हैं, उन सारे टाइप के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम करते जाएंगे, तुम लोगों को वो चीज नोट करते चले जाना है। बाकी एक चीज यहाँ पे वर्ड है, जैसे डीकार्बोक्सिलेशन, तो जो डी वर्ड लगा रखा है मतलब हम लोग किसी ग्रुप को हटा रहे हैं। कार्बोक्सिलेशन वाले पार्ट का मतलब CO2 का एडिशन होता है, तो जब हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन बोल रहे हैं इसका मतलब हम लोग आराम से रिमूवल ऑफ CO2 मेंशन करते हुए चल रहे हैं, सबसे पहला चीज ध्यान रखना है। और एक तो तुम लोग को रिएजेंट ध्यान रखना है, जहां तक हमको ध्यान है 10th क्लास में रिएजेंट दे रखा था, बट हम लोग फिर से इस रिएजेंट को थोड़ा अलग एंगल से कंसिडर किया करते हैं। अगर हम लोग के पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका रिएक्शन अगर हम लोग सोडा लाइम के साथ कराते हैं, किसी को मालूम है सोडा लाइम का फॉर्मूला क्या होता है? किसी को ही मालूम है सोडा लाइम का फॉर्मूला क्या होता है? बचपन से आज तक कहीं सुना है सोडा लाइम? किसी को मालूम नहीं है जी, सब गधा लोग बैठा हुआ है यहाँ पे खाली, प्रवचन सुनने के लिए बैठा हुआ है। हम लोग NaOH के साथ CaO वाला पार्ट यूज करते हैं, इसे सोडा लाइम बोलते हैं। जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन सोडा लाइम के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हीटिंग, तो उसके इसमें प्रोडक्ट वाले पार्ट में जो CO2 वाला पार्ट है वो निकल के बाहर जाएगा, और हम लोगों का जो COH वाला पार्ट है वो हट के वहां पे H ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब अल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इनफैक्ट अल्केन से भी मतलब नहीं है, बस यहाँ से इस CO2 को हटा दो, ये चीज हटा दो, तो बाकी बचा हुआ पार्ट जैसा है एग्जैक्टली उसी चीज को मेंशन कर सकते हैं। इस चीज को हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बोलते हैं, जहाँ पे CO2 ग्रुप का हम लोग रिमूवल कंसिडर कर रहे हैं। और नॉर्मली जैसे जब हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन कराते हैं तो NaOH और CaO दे रखा, तो एक चीज सोच के देखो, NaOH वाले पार्ट का अगर हम लोग रिएक्शन CO2 के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा? तो पहले स्टेप में हम लोग केवल इस CO2 पे एक OH ऐड करते हैं, जब एक OH ऐड करेंगे तो एक हाइड्रोजन ऐड हो गया, और उसके अलावा हम लोग का तीन ऑक्सीजन वाला पार्ट ऐड हो गया, SCO3- कंसिडर कर सकते हैं। जब हम लोग केवल एक OH- ऐड होगा, मतलब प्रोडक्ट में हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट बना सकते हैं NaHCO3। फिर जब हम लोग दूसरा OH- के साथ रिएक्शन कराएंगे तो अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में हम लोग आराम से Na2CO3 का फॉर्मेशन करा सकते हैं, और साथ ही साथ H2 वाला पार्ट ग्रुप निकल के बाहर चला जाएगा, मतलब अपने रिएक्शन वाले पार्ट में हम लोग आराम से Na2CO3 का एडिशन और साथ ही साथ H2 वाले पार्ट का फॉर्मेशन करा सकते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड क्या कराएगा? तो कैल्शियम ऑक्साइड वाला पार्ट इस रिएक्शन को फिजिबल बनाने के लिए बस एग्जिस्ट करता है, उसका हम लोगों को कोई ज्यादा यूज नहीं पड़ता। NaOH वाले पार्ट को फिजिबिलिटी के साथ रिएक्शन में इन्वॉल्व कराएगा, इस चीज के लिए हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड वाले पार्ट को यूज करते हैं। तो रिएक्शन को ध्यान रखना, एक तो हम लोग का CO2 हटेगा और वो CO2 NaOH के साथ कंबाइन करके Na2CO3 plus H2O का फॉर्मेशन कराएगा, इस चीज को हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बोलते हैं। छापते जाओ रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो हो चुका है ना? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हम लोग केवल मैकेनिज्म डिस्कस किए, बट कार्बोनिल कंपाउंड के जो रिएक्शन से पांच वो हम लोग डिस्कस नहीं किए, मतलब एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ अल्कोहल, एडिशन ऑफ NaCN। तो मैकेनिज्म में हमको अब टाइम नहीं देना पड़ेगा, मैकेनिज्म हम लोग बता चुके हैं, उसके सारे रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डिस्कस कर चुके हैं, NaCN का भी एडिशन डिस्कस कर चुके हैं, बस उसमें हम लोग रिएजेंट चेंज होता जाएगा, वो सारे के सारे रिएक्शन लिखाते चले जाएंगे एक जगह पे, क्वेश्चंस मतलब खत्म हो जाएगा, एक लेक्चर का टॉपिक है, पढ़ा देंगे उसको, तुम चाहे तो एक नोट्स बना के भी दे सकते, लेकिन हम क्लास में ही करा देंगे, तो दिक्कत नहीं है। तुम ही लोग बोला है क्लास में ही पढ़ाई है, टाइम बचता है तुम लोगों का,
डबल मेहनत नहीं पड़ता तो इसलिए पढ़ा दे रहे हैं। चलो ध्यान दो, एक तो इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म का थोड़ा ध्यान रखना। जैसे अगर हम लोगों का एक कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट दे रखा, इसका रिएक्शन अगर हम लोग NaOH के साथ कराएंगे तो OH माइनस वाला पार्ट पहले एसिड बेस रिएक्शन करेगा और आराम से हम लोगों का CO माइनस का फॉर्मेशन कराएगा। इसके बाद का स्टेप थोड़ा ध्यान रखना, जब हम लोग यहाँ पे हीटिंग करते हैं, और यही पार्ट अपना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी है। जब यहाँ हीटिंग करते हैं तो जैसे एक चीज सोच के देखो, इसको हम नीचे बना रहे हैं, जो अपना ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है ये रेजोनेंस में जाना चाहेगा, तो रेजोनेंस में जाएगा तो आराम से पाई बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, बार बार इधर उधर मूवमेंट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब लोग पाई बॉन्ड क्यों ब्रेक कर रहे हैं बार बार, ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करके क्यों नहीं हटा रहे हैं, क्या दिक्कत है? तो यही लॉजिक है, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पाई बॉन्ड वाला पार्ट वीकर होता है एज कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड, तो जो वीक है वो टूटेगा आराम से। चलो मान लिया कि जो वीक है वो टूटेगा, लेकिन जब हीटिंग करेंगे मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हैं, तो फिर तो अनस्टेबल वाला चीज भी हो जाना चाहिए, जिसका प्रोबेबिलिटी कम है, जो बॉन्ड नहीं ब्रेक होना चाह रहा है वो भी ब्रेक होने की टेंडेंसी में आ सकता है। एक बार अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो अपना रिएक्शन आगे प्रोसीड कर जाएगा। तो इस केस में ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज जो रेजोनेंस में जाना चाहता है रेजोनेंस में जाएगा, बट रेदर देन पाई बॉन्ड के ब्रेक होने के ये स्टेप ना होकर के हम लोग का ठीक है रेजोनेंस होता रहेगा, उसमें दिक्कत नहीं है, बट जैसे ही नेगेटिव चार्ज गया ऊपर नेगेटिव चार्ज बना, फिर वो नीचे आया फिर इधर नेगेटिव चार्ज बना, तो चांस है कि हम लोगों का यहाँ का बॉन्ड ब्रेक कर जाए। और ये हम लोग केवल प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे बोल रहे हैं, हीटिंग करने पे ये चांसेस बढ़ जाएगा, बट अदरवाइज ऐसे भी चांस है कि हम लोग का ये बॉन्ड ब्रेक करके हट जाए। मान लो कि लाखों बार रेजोनेंस हुआ, लाख बार पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो एक बार भी तो हो सकता है ना कि हम लोग का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो जाए। ठीक है माना कि स्ट्रेंथ ज्यादा है, बट लाख में से एक बार तो हो सकता है कि सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करके हट जाए, तो एक प्रोबेबिलिटी है कि ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है पहला चीज, और क्योंकि हीटिंग दे रखे हैं तो ये प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो इस केस में हम लोगों का सिग्मा बॉन्ड का ब्रेक होना बहुत पॉसिबल चीज नहीं होता है, इसलिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है पहले ही मेंशन कर दिया, जिसके वजह से हम लोगों का नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, और उसके अलावा यहाँ पे CO2 वाले पार्ट का फॉर्मेशन। तो एक तो CO2 बाहर निकल गया मतलब डीकार्बोक्सिलेशन हो गया। अब उसके बाद एक चीज सोचो, जब यहाँ पे H+ और OH- कंबाइन करेगा तो H2O भी तो निकल रहा है, और क्योंकि NaOH को डाल रहे हैं मीडियम में तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग के मीडियम में भी वाटर वाला पार्ट एग्जिस्ट कर ही रहा होगा, तो हम लोग के वाटर में जो भी H2O एग्जिस्ट कर रहा है उसके साथ इस R- का कॉम्बिनेशन करा के आराम से RH बना सकते हैं, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन फीजिबल है। R- का बेसिक स्ट्रेंथ OH- से कहीं ज्यादा होता है, तो आराम से एसिड बेस रिएक्शन होगा, और एसिड बेस रिएक्शन होने के बाद अल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब जितना स्टेबल कार्बन आयन होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन कंसिडर किया जा सकता है न्यूक्लियर रिएक्शन। अब रिएक्शन मैकेनिज्म में तुम लोगों का एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बाकी है, ऑल्दो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में बाकी कुछ नहीं है, उसका पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं हर जगह पे, कहीं ना कहीं बीच बीच में कुछ कुछ पार्ट आ चुका है। तो फ्री रेडिकल में कुछ नया नहीं करने को मिलेगा, बस उसमें अलग अलग रिएक्शन है, एकदम छोटे छोटे रिएक्शन, बुर्ज रिएक्शन 20 मिनट का टॉपिक, कोल सिलेक्टलिसिस 20 मिनट का टॉपिक, कुछ रिएक्शन का रिएजेंट और कुछ प्रोडक्ट वाला पार्ट है, छोटे छोटे रिएक्शन, हंसडीकर रिएक्शन, असाइलिन कंडेंसेशन, पिनेकोल फॉर्मेशन, वुल्फ रिएक्शन के जैसा फिटिक रिएक्शन, वुल्फ फिटिक रिएक्शन, पुलमैन्स रिएक्शन और फ्रैंकलिन्स रिएक्शन, सारा सेम टाइप का है। मतलब वुल्फ रिएक्शन बताएंगे तो बाकी सबको केवल हम बस लिखते जाएंगे, उसमें कुछ बताएंगे नहीं। और उसके अलावा फिर एक तुम्हारा हेलोजिनेशन का मैकेनिज्म है जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट क्योंकि हम लोग हेलोजिनेशन में मोनो हेलोजिनेशन प्रोडक्ट पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो उसका 70% पार्ट खत्म हो चुका है, केवल मैकेनिज्म का पार्ट डिस्कस करना है, तो मुश्किल से 1.5 दिन का टॉपिक होगा, चाहे तो उसका हम रिकॉर्डिंग करके डाल सकते हैं, एकदम छोटा छोटा टॉपिक है, रिकॉर्डिंग करके डालने में भी अच्छा रहेगा, मतलब घूमते फिरते भी देख सकते हो उस टॉपिक को। मैकेनिज्म वाला पार्ट नोट करो और मैकेनिज्म वाला, हाँ ठीक है हम रिकॉर्डिंग करके डालना प्रेफर करेंगे, रिकॉर्डिंग करके डाल देते हैं। वुल्फ रिएक्शन का एकदम छोटा सा मैकेनिज्म, 20 मिनट का टॉपिक है, हर एक पार्ट को छोटा छोटा लेक्चर के फॉर्मेट में डाल देंगे, उतना चीज तुम लोग रिकॉर्डिंग में भी देख सकता है। मतलब ऐसा टॉपिक है जिसमें कहीं कोई डाउट आने वाला पार्ट है ही नहीं, कहीं कोई डाउट नहीं आ सकता, तो उस चीज को ज्यादा बेटर वहां से देख लो। तो फिर हम लोग केवल नेम रिएक्शन बाकी रह जाएगा, कुछ और टॉपिक नहीं बचा है।
एक चीज है कि अगर ऑफलाइन क्लास होता तो नेम डायरेक्शन में ज्यादा मजा आता, क्योंकि ऑफलाइन में हम नेम डायरेक्शन में स्टेप्स तुम ही लोगों से करवाएंगे, मतलब हम नॉर्मली पूछा करते हैं क्लास में कि इसके आगे क्या किया जाए, तो रिस्पॉन्स मिल जाता है। अब तक लोगों को समझ में आ गया होगा, तुम लोग जो जितने लोग क्लासेस कर रहे हैं सबको पता चल गया होगा कि रिएक्शन मैकेनिज्म में रिएक्शन काम कैसे करता है। एक सब लोग के दिमाग में कंसर्न होगा, हम किसी से भी पूछेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसा है, तो सब लोग का एक कंसर्न होगा कि सर वैसे तो अच्छा है लेकिन रिएजेंट भूल जाते हैं बार बार। ये सब लोग के दिमाग में होगा, वो बहुत बड़ी चीज नहीं है। रिएजेंट भूलने का कोई टेंशन नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करो, अब सीधा क्वेश्चन सॉल्व करो, और क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त नोट्स कॉपी लेके बैठो। तुमको रिएक्शन देख के बस ये मालूम पड़ना चाहिए कि रिएक्शन कौन से टॉपिक का है। ये चीज अगर जज नहीं कर पा रहे हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खराब है, अगर ये जज कर पा रहे कि इस टॉपिक का है, बस वो रिएजेंट याद नहीं है कि वो रिएजेंट किस तरह से फंक्शन करता है। सीधा कॉपी पलटो, रिएजेंट देखो, क्वेश्चन सॉल्व करो, कॉपी पलटो, रिएजेंट देखो, क्वेश्चन सॉल्व करो। हम भी अपने टाइम पे ऐसे ही किए थे, पहले एक एक लाइन से सारा क्वेश्चन, मतलब सारा रिएजेंट पढ़ लिए थे, सारा मैकेनिज्म पढ़ लिए थे, सारा टॉपिक डिस्कस हो चुका था, उसके बाद बस एक बार जब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया तो कॉपी अपने पास होता था, क्वेश्चन देखते थे, समझ में तो ऑब्वियस बातें नहीं आता था, रिएजेंट एकदम ध्यान नहीं था क्योंकि हम अपने टाइम पे इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस भी नहीं किए थे, और मिसलिनियस तो बिल्कुल नहीं। तो सीधा क्वेश्चन देखा, नोट कॉपी खोल करके देखा और रिलेट करके उस क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो उसमें रिवीजन होना शुरू हो गया अपने आप से। तो तुम लोग को भी यही काम करना पड़ेगा। तो रिएजेंट भूल गए हैं सर, इस चीज का टेंशन नहीं है, और हो सके तो डीपीपी बनाओ। हम तुम लोगों को हम इतने बार सजेशन दिए डीपीपी बनाने का, तुम लोग डीपीपी नहीं बनाता है, एक सवाल ट्राई करना, ये तुम्हारे 11th क्लास के डीपीपी में दे रखा है, और सोच के देखना, बहुत भारी सवाल ही है। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इन द गिवन कंपाउंड, ये तुम्हारे डीपीपी का सवाल है। Find the total number of stereoisomers in the given compound. Try करके देखना सवाल, बहुत मजा आएगा। तुम लोगों का जो सोचने का capability है, उससे कहीं ऊपर का ये सवाल है। बता रखे हम सारा चीज तुम लोगों को, सारे टाइप से सिचुएशन से रिलेट कर चुके हैं, बट बहुत मुश्किल सवाल ये। और ये 11th वाले स्टूडेंट लोग पूछे हमसे, 11th में एक डीपीपी दिए थे, उसमें से एक स्टूडेंट पूछा था कि सर ये एक सवाल हमसे नहीं बन रहा, इसलिए डीपीपी सॉल्व करो, वो तो जरूरी आएगा। चलो खैर, पॉइंट वाले पार्ट पे आते हैं। जैसे इसमें एक तो ये पॉइंट ध्यान रखना है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वाले पार्ट में हम लोग के आर माइनस का फॉर्मेशन हो रहा है, पॉइंट नोट कर लो। कार्बोनायन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द आरडीएस, और क्योंकि कार्बन आयन फॉर्मेशन हो रहा है तो देयरफॉर मोर स्टेबल कार्बन आयन एरो देखिए हायर रेट ऑफ रिएक्शन। तो पॉइंट ये है कि इसमें सवाल कैसा पूछा जा सकता है। सवाल दो तरीके से पूछेगा, एक सीक्वेंशियल रिएक्शन में डाल के प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बहुत ही इजी है बनाना, प्रोडक्ट में कुछ नहीं करना है, बस CO2 हटाओ और बाकी H वाले पार्ट को इधर ऐड कर दो, कुछ भी नहीं सोचना है प्रोडक्ट में। और ये है कि रिएक्शन मैकेनिज्म में रेट ऑफ रिएक्शन पे सवाल पूछा जा सकता है। तो जैसे क्वेश्चन नोट करो, फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट वाले पार्ट में मान लो सवाल इस तरीके का दे रखा, एक तो बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है, ये तो एकदम सॉल्व करना ही है। मान लो ये सवाल दे रखा है, इस केस में NaOH के साथ हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन करा रहे हैं, मतलब सोडा लाइम का रिएक्शन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीटिंग, क्या प्रोडक्ट बनेगा। और दूसरा चीज, रेट ऑफ रिएक्शन वाला पार्ट R1 लेके चल रहा है, मतलब इसमें तीन पार्ट है बेसिकली इस क्वेश्चन में। सेम चीज, बस रेट वाला पार्ट यहाँ पे R2 लेके चल रहे हैं, और थर्ड पार्ट अगर यहीं पे ट्रिपल बॉन्ड रहा तो उस केस में हम लोगों का रिएक्शन वाला पार्ट और रेट वाला पार्ट R3 लेके चल रहा है। तो पहला पार्ट ये कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, और दूसरा पार्ट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, रेट ऑफ रिएक्शन का कंपैरिजन करो तीनों रिएक्शन में। तो डीकार्बोक्सिलेशन हर जगह हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कंपेयर करेंगे, इस चीज को कंपेयर करना है। ट्राई करो विशाल सर।
पहले वाले केस में बस यहाँ से CO2 को हटाओ, और CO2 वाले पार्ट को जैसे ही हटाएंगे तो हम लोग का एल्केन का फॉर्मेशन होगा। दूसरे वाले केस में जब CO2 को हटाएंगे तो हम लोग इथीन का फॉर्मेशन होगा। तीसरे वाले केस में इथाइन का फॉर्मेशन होगा। मेन सवाल ये है कि हम लोगों का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो जब ये चीज हटेगा यहाँ से तो इस कार्बन माइनस चार्ज, CO2 वाला पार्ट हटेगा या माइनस चार्ज, CO2 हटेगा तो माइनस चार्ज। तीनों में ज्यादा स्टेबल माइनस चार्ज कहाँ पे, तो sp कार्बन, sp2 कार्बन, sp3 कार्बन। तो sp कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा r3 फिर r2 फिर r1 कंसीडर कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल एलिमेंट्री रिएक्शन है, आराम से कंसीडर किया जा सकता है। दूसरा सवाल ट्राई करके देखो, ये भी बहुत ही स्टैंडर्ड सेट ऑफ क्वेश्चन हम कंसीडर करेंगे नॉर्मली। COH वाला पार्ट NO2, इसमें डीकार्बोक्सिलेशन, रेट ऑफ रिएक्शन R1, फिर उसके अलावा NO2 वाले पार्ट को हम लोग थोड़ा दूर लेके चले गए, COH वाला पार्ट NO2, रेट ऑफ रिएक्शन R2, फिर उसके बाद थर्ड वाले केस में COH, यहाँ पे NO2, रेट ऑफ रिएक्शन वाला पार्ट R3 कंसिडर कर सकते हैं। तो इस केस में क्या निकल के आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? प्रोडक्ट तो एकदम सिंपल सा है, प्रोडक्ट हम पहले ही बना देते हैं, प्रोडक्ट हम तुमसे पूछ भी नहीं रहे। तुमको तो कॉपी में कॉपी पेस्ट करने का ऑप्शन नहीं है, मेरे पास ऑप्शन है। तो इस केस में रिएक्शन वाले पार्ट में NO2, NO2, सॉरी COH हटेगा, यहाँ भी COH हटेगा, यहाँ भी COH हटेगा। प्रोडक्ट एकदम सिंपल सा है, सब में नाइट्रोबेंजीन बनेगा। बस ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन का कंपेरिजन R1, R2, R3 क्या होना चाहिए। कौन बताना चाहेगा? बताना तो कोई नहीं चाहता है, पूछना ही पड़ता है। यशी बताओ भाई, तुम्हारा नाम बहुत गलत है, सबसे लास्ट नाम है तुम्हारा नाम। घर वालों को ऐसा नाम रखने बोला करो कि बीच में आया करे, ना ए से हो ना वाई से जेड से हो, मत रखवाया करो ऐसा नाम। बताओ भाई यशी, विवेकानंद भाग गया क्लास से कि अगला नंबर मेरा ही आएगा? रेट ऑफ रिएक्शन R1, R2, R3 का कंपैरिजन बताना। R1, R3, R2, R1 के बाद R3 आएगा तो R2 ही तो आना है। वैभव यही ऑर्डर की कुछ और? वैभव सर R1, R2, R3, R1, R2, R3 का है ऐसा? ये ऑर्डर क्यों आ गया, क्या रीजन है? बताइए सर क्या रीजन है, कुछ तो सोच समझ के जवाब दिए होंगे ना। बोल ही नहीं रहा है जी सर, उसका पोजीशन, पोजीशन से क्या फर्क पड़ेगा? निशांत यस सर, अरे यस सर नो सर नहीं, आंसर सर। सर आर वन आर थ्री आर टू क्यों ऐसा? सर आर टू पे माइनस एम नहीं होगा तो सबसे लास्ट में आएगा। पहले में माइनस एम होगा, दूसरे में माइनस आई होगा, तीसरे में माइनस एम होगा, है ना? यस। लास्ट ही क्लास में बताया ये चीज बेंजीन मैकेनिज्म में। अगर ये चीज हटेगा यहाँ से तो बेंजीन के ऊपर माइनस चार्ज, ये भी हटेगा तो बेंजीन के ऊपर माइनस चार्ज, ये भी हटेगा तो बेंजीन के ऊपर माइनस चार्ज। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर माइनस चार्ज है तो इस केस में फिर हम लोगों का केवल माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट करेगा, माइनस एम इफेक्ट ऑपरेट नहीं करेगा। बेंजीन के ऊपर अगर माइनस चार्ज है तो यहाँ भी माइनस आई रहेगा, यहाँ भी माइनस आई रहेगा, यहाँ भी माइनस आई रहेगा, कोई भी माइनस एम वाला पार्ट निकल के नहीं आ सकता है। इसलिए सबसे ज्यादा माइनस आई पहले में, सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन फिर दूसरे में, फिर तीसरे में। मार्क कर लेना इस चीज को, क्वेश्चन को। और इसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग
ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, मान लो ये सवाल दे रखा, तो इस केस में अगर हम लोग सोडा लाइम के साथ रिएक्शन कराएंगे NaOH के साथ CaO इन द प्रेजेंस ऑफ हीटिंग, तो क्या प्रोडक्ट बनने का है बताओ भाई? क्या टूटा? चलो ध्यान दो, एक तो यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन है, मतलब यहाँ से CO2 हटेगा, तो इसमें तो ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, एक तो ये प्रोडक्ट बनना है, लेकिन ये भी एक प्रोडक्ट बनेगा, ये दोनों प्रोडक्ट बनना है और दोनों में से कोई मेजर माइनर नहीं है, दोनों इक्वल प्रोडक्ट बनेगा। उसके पीछे रीजन ये है, इस तरह का सवाल थोड़ा ध्यान रखने का, चाहे तो इसको विस्तार मार कर सकते हैं। रीजन ये है कि हम लोग यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन के टाइम पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, इसीलिए मैकेनिज्म थोड़ा ध्यान रखना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट थोड़ा ध्यान रखना है कि हम लोग यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा और जो नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट है, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में भी तो जा सकता है, जब ये चीज रेजोनेंस में जाएगा तो जिस कार्बन के ऊपर कार्बन 14 है उसी पे माइनस चार्ज आएगा, तो जहां माइनस चार्ज है उसी पे हम लोग H2O का रिएक्शन करा के उस पे H+ एडिशन करा के प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो कार्बन 14 वाले पार्ट पे भी H+ एडिशन करा के प्रोडक्ट बना सकते हैं, इसका मतलब ये दोनों प्रोडक्ट बनेगा। थोड़ा ध्यान रखना इस तरह के सवाल का, अगर कार्बन आयन बन रहा है तो रेजोनेंस के चांसेस अगर है तो रेजोनेंस वाला पार्ट कंसिडर करते हुए काम करना ही करना है। नोट कर लो इन सब सवाल को। तो ये तुम्हारे डीकार्बोक्सिलेशन वाले पार्ट का एकदम एलिमेंट्री मैकेनिज्म है जिनको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद डीकार्बोक्सिलेशन का मैकेनिज्म तो कुछ नहीं रहेगा, डीकार्बोक्सिलेशन का अलग अलग और केसेस आता है, मतलब कुछ और भी केसेस हैं जहां पे अगर हम लोग सोडा लाइम यूज ना भी करें तो भी हम लोग रिएक्शन करा सकते हैं, जैसे इस तरह का एक रिएक्शन है, इस चीज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मान लो ऐसा रिएक्शन दे रखा, तो मतलब ठीक है, ऐसा रिएक्शन जरूरी नहीं कि केवल मतलब रिंग हो, ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से अटैच्ड अल्फा कार्बन, अल्फा से अटैच्ड बीटा कार्बन या बीटा एटम, कार्बन से भी मतलब नहीं है, बीटा एटम और गामा एटम के बीच में अगर अनसैचुरेशन है, फिर से पॉइंट बोल रहे हैं, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के रिस्पेक्ट में बीटा और गामा पोजीशन पे अनसैचुरेशन है, मतलब बीटा गामा अनसैचुरेशन है, तो इस केस में बिना सोडा लाइम के भी अगर हम लोग हीटिंग करें तो डीकार्बोक्सिलेशन हो सकता है, मतलब प्रोडक्ट वाले पार्ट में हीटिंग करने पे ऐसा रिएजेंट बनेगा। बट क्योंकि इसमें बिना हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन के लिए बिना सोडा लाइम के बिना अगर हीटिंग करा रहे हैं तो इसका मैकेनिज्म थोड़ा और इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्या मैकेनिज्म है डिस्कस करेंगे इस चीज को नेक्स्ट क्लास में लोग आराम से। आज के लिए कुछ कुछ होमवर्क दे रहे हैं, उन सब क्वेश्चन को ट्राई करना, एरोमेटिक कंपाउंड से रिलेटेड होगा, और थोड़ा ध्यान रखना एरोमेटिक कंपाउंड वाले पार्ट में, मतलब कुछ रिएक्शंस ऐसे होंगे जिसको हो सकता है हम लोग अभी तक कवर नहीं कर रखे हो, नेम रिएक्शन का पार्ट होगा, अगर गलती से हम दे रखे होंगे तो उसको तुम लोग पूछ लेना कि सर ये चीज नहीं समझ में आ रहा, हम आराम से बताते चले जाएंगे। तो उस केस में जो तुम्हारे एरोमेटिक कंपाउंड का बुकलेट दे रखा है उसी में हम लोग बात करते हैं। कुछ कुछ रिएक्शन जैसे तुम लोग को बताया था ये रिमर-टेमन रिएक्शन, ये सब चीज हम लोग नेम रिएक्शन में डिस्कस करेंगे। तो जैसे ये रिएक्शन है, ये रिमर-टेमन रिएक्शन है, नेम रिएक्शन में डिस्कस करेंगे। इसमें तो शायद सारे क्वेश्चन दे रखे हैं एक्सरसाइज वन में, जो जो देने लायक था। एनिलीन का रिएक्शन आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं 6 नंबर। बेंजीन रिंग से हम लोगों को सॉरी फिनॉल से हम लोगों को बेंजीन रिंग चाहिए, तो जब हम लोग OH ग्रुप हटाना होगा तो हम लोग जिंक डस्ट यूज कर सकते हैं आराम से। इस केवल एक पार्ट की वजह से लास्ट क्लास में क्वेश्चन नहीं दे पाए थे, बाकी ट्राई करना। इस एक चीज का ध्यान रखना, ये हम लोग शायद पहले डिस्कस कर चुका और तुम लोग को बोला था कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन का बुकलेट पढ़ो, अगर बेंजीन के ऊपर कोई भी ग्रुप है, कोई भी ग्रुप दे रखा, अगर इसका रिएक्शन हम लोग KMnO4 के साथ कराएंगे, हॉट KMnO4 दे रखा होगा या फिर कुछ और भी, तो अगर हम लोग हॉट KMnO4 हॉट K2Cr2O7 यूज करेंगे तो बेंजीन के ऊपर कोई भी ग्रुप दे रखा होगा सीधा उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट किया जा सकता है, ध्यान रखना इस चीज का।
अब मान लो यहाँ सी एच थ्री की जगह पे सी ओ एच ओ होता तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड, सी ओ ओ एच सॉरी सी ओ ओ सी एच थ्री होता तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड, सी ओ एन एच टू होता तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे सी टू एच फाइव इस टाइप का ग्रुप दे रखा होता तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड, सी टू एच फाइव होता तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कोई भी ग्रुप दे रखा होगा सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में उसको हम लोग हॉट केएमएनओ फोर या एसिडिफाइड केएमएनओ फोर में कन्वर्ट कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखना इस पॉइंट को। एक ये रिएक्शन थोड़ा ध्यान रखना, ये रिएक्शन हम तो लोगों को शायद मेंशन नहीं किया, इस रिएक्शन को थोड़ा अपने कॉपी में अगर नोट करना चाहे तो रोट नोट कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन। ये रिएक्शन एनसीईआरटी में शायद वैसे दे नहीं रखा, अगर हम लोग का अराइल हैलाइड का रिएक्शन हम लोग NH3 के साथ कराते हैं द प्रेजेंस ऑफ कॉपर ऑक्साइड तो अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में एनिलीन का फॉर्मेशन होता है, तो ये एक रिएक्शन अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो, कहीं पे भी मार्क करके नोट कर लेना, बहुत ही स्पेसिफिक रिएजेंट है। अगर हम लोग अराइल हैलाइड वाले पार्ट का रिएक्शन NH3 के साथ कराते हैं द प्रेजेंस ऑफ कॉपर ऑक्साइड तो उस केस में हम लोग को एनिलीन का फॉर्मेशन मिल जाता है, तो ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन वाला पार्ट पूरा, उसे पहला पार्ट केवल दिया था, अभी फर्स्ट सेकंड दोनों कंसीडर कर सकते हैं, ऑल्दो सेकंड कंसीडर कर ही चुके हैं तुम लोग। उसके अलावा फिर डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट तो हम लोग अमाइन में पढ़ेंगे, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में कपलिंग रिएक्शन भी उधर ही आएगा हम लोगों का, यहाँ भी कपलिंग रिएक्शन दे रखा है, इस चीज को डिस्कस कर सकते हैं, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सोडा लाइम वाला पार्ट दे रखा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट वहां से हटेगा। क्वेश्चन नंबर वन ट्राई कर सकते हैं आराम से, अब पार्ट टू में क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 16 सब क्वेश्चन में एक एक पढ़ लो, कुछ कुछ क्वेश्चन में तो ठीक है बट सब क्वेश्चन में एक एक पार्ट केवल ऐसा है जो सॉल्व नहीं कर सकते, स्पेशली हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ये एक चीज इन्वॉल्व कर दिया हम लोग का, नेम रिएक्शन का पार्ट है तो ठीक है, नेम रिएक्शन के बाद इसमें हम होमवर्क देंगे मेरे हिसाब से, इसमें एल्कीन अल्काइन वाले पार्ट में आज होमवर्क देंगे तुम लोगों को, एरोमेटिक कंपाउंड में तो ज्यादा कुछ हमको नहीं दिखाई दे रहा देने लायक। ये ट्राई करके देख लेना क्वेश्चन सेवन, क्वेश्चन नंबर एट,
क्वेश्चन नंबर वन, बहुत अच्छा सवाल है, सोच के देखना, जितना तुम लोग को बताया है उससे काम हो जाएगा। ऑल्दो इसमें आगे का एक रिएक्शन जब मेंशन करेंगे तो ज्यादा इजीली समझ पाएंगे इस चीज को, बट जितना बता रखा है उससे सोच पाएंगे। जिसको हिंट चाहिए होगा मेरे से हिंट ले सकते हैं, थोड़ा बहुत हिंट दे देंगे हम डिस्कशन में, ग्रुप में। क्वेश्चन नंबर टू, थ्री, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर पार्ट थ्री का वन, एक्सरसाइज थ्री, एक्सरसाइज टू का है शायद से, पेज नंबर पता नहीं कौन सा दे रखा, पेज नंबर 15 में, पार्ट थ्री का वन, हम तुम लोगों को एक छोटा सा सजेशन देंगे इस क्वेश्चन नंबर सिक्स में, पार्ट थ्री में। इस क्वेश्चन में इसको सवाल इस तरीके से सॉल्व मत करना, अपने कॉपी में अगर नोट डाउन करना है तो नोट कर लो, ज्यादा बेटर होगा, दिमाग ला के देखना। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर ए वाला पार्ट कैसे बनेगा, क्वेश्चन हमको लगता है कि पार्ट ए सही दिख रहा है, हाँ ठीक है, पार्ट ए वाला पार्ट सही है करेक्ट में, पार्ट बी वाला पार्ट भी सही है, पार्ट सी वाला पार्ट भी सही है, पार्ट डी वाला पार्ट भी सही है। तुम लोगों को बेसिकली ये सोचना है कि ए पार्ट, केवल ए पार्ट, सी पार्ट और ये डी पार्ट, ये कैसे बनेगा। बी पार्ट रिमर्टमन रिएक्शन है, वो बहुत यूनिक टाइप का रिएक्शन है, मतलब बिल्कुल यूनिक टाइप का कुछ मैकेनिज्म आता है वहां पे, तो उसको नहीं करना है। बट ए पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट, ये तीन पार्ट कैसे बनेगा, अगर ये रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाना है, मान लो ये प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो कैसे मैकेनिज्म बना करके ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे, वो मैकेनिज्म तुम लोगों को सोचना है। जो जो चीजें तुम लोगों को बताई है उनसे सारी चीजें सोच सकते हैं, जितना भी शुरू से लेकर अब तक बताया, जो जो एकदम जनरलाइजेशन टाइप की बात हम लोग रिपीट करते हैं, उन सब चीजों से इन सब चीजों को सोच सकते हैं। तुमको बस ये सोचना है कि हमको इस प्रोडक्ट तक जाना है, कैसे जाए, कहाँ से ये प्रोडक्ट आया होगा, ये चीज ट्राई करके देखना, बहुत मजा आएगा। तीनों पार्ट का, सब्जेक्टिव पार्ट मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे लिखे, ये सी सोच के देखना। क्वेश्चन नंबर सेवन, कॉम्प्रिहेंशन थ्री तो हमको लग रहा है कि बनाने लायक है, कॉम्प्रिहेंशन थ्री ट्राई करके देखना, ट्राई कर सकते हैं कॉम्प्रिहेंशन थ्री। ये चीज ट्राई करके देखना, ठीक है, ये तुम्हारे हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन जो हम बोल रहे थे रिएक्शन, या हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन बोल दो या हॉफमैन रीअरेंजमेंट बोल दो, उसका मैकेनिज्म दे रखा है। तो हम सजेशन देंगे कि इसके रिएक्शन को मैकेनिज्म के थ्रू सीखने की कोशिश करो। अगर मैकेनिज्म से रिलेटेड किसी भी पार्ट में कोई डाउट होगा, जैसे ना कि उसमें लिखने में मुश्किल हो रहा है, तो वर्बल टाइप का कोई डाउट होगा कि सर इसमें ये चीज ऐसा क्यों हो रहा है, अगर ऐसा कोई डाउट होगा तो भी उसमें ऑडियो टाइप का जो रिकॉर्डिंग होता है उसमें टेलीग्राम में आराम से भेज देना, बट इस मैकेनिज्म को सीखो। इस चीज को हम लोग नेम रिएक्शन में जस्ट पढ़ने वाले हैं, हम नेम रिएक्शन जैसे टॉपिक शुरू होगा तो उसमें हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में ये चीज आएगा, बट ये चीज पहले से सीख करके देखो।
अगर है तुम्हारे पास ऑप्शन सीखने का तो इस चीज को ट्राई करके देखो कि ऐसा कैसे हम लोग बना रहे हैं। अभी हम रिएक्शन लिखे भी थे कि हम लोगों का जो अमाइड वाला पार्ट है वो अमाइड वाला पार्ट अमाइन में कन्वर्ट होगा, तो जनरलाइज रिएक्शन नहीं है बट स्पेसिफिक रिएक्शन है, ट्राई करके देखना है। कॉम्प्रिहेंशन नंबर 4, रिएक्शन मैकेनिज्म भी दे रखा और उसके अलावा तुम्हारे रिएक्शन भी दे रखे हैं। उसके बाद हाइड्रोकार्बन में जो तुम्हारा एल्कीन एल्कीन वाला पार्ट है उसका रिएक्शन कंसीडर कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 21 22 में एजी पाउडर, ये हम लोग उसमें डी हैलोजिनेशन रिएक्शन वाला पार्ट में डिस्कस किए थे जब हम लोग जिंक वाले पार्ट को यूज कर रहे थे। अगर हम लोग अल्काइल लाइट के साथ जिंक यूज कर रहे थे तो दोनों हैलोजन हट करके कार्बन चेन बन रहा था, वो रिएक्शन सेम टाइप का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, बाकी देखा देखा सवाल रहोगे, ये सब सवाल तुम्हारे एमएस चौहान में या डीपीपी में सब में दे रखा है, बहुत सिंपल सा चीज है। पहले भी बोला था तुम लोग एमएस चौहान में ऐसा नहीं कि उसमें कुछ नया क्वेश्चन है, अपने बुकलेट में सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, बट लोगों को सॉल्व करना होता है एमएस चौहान तो अच्छी बात है सॉल्व करो। 34, 33, 34, 35, 36, 40 तक ही हम क्वेश्चन देंगे तुम लोग को होमवर्क, क्योंकि हमको मालूम है ज्यादा क्वेश्चन देंगे तो तुम लोग होमवर्क नहीं करने वाला। 39, 40 बस इतने क्वेश्चन ट्राई करना, बाकी क्वेश्चन हम लोग हाइड्रोकार्बन का आराम से नेक्स्ट क्लास में देंगे। और तुम्हारे एरोमेटिक कंपाउंड के जो रिमेनिंग रिएक्शन वाले पार्ट बच गए हैं वो सारे के सारे रिएक्शन तुम्हारे आराम से हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो उसमें नेम रिएक्शन वाले पार्ट में आएगा, फिर उसका पूरा बुकलेट का। तो जैसे नेम रिएक्शन खत्म होगा तो पूरे बुकलेट में जहां जहां भी थोड़े बहुत भी क्वेश्चंस बाकी रह गए हैं एक एक करके सारा बुकलेट सामने डालते जाएंगे हम लोग, क्वेश्चन एक एक करके डिस्कस करते चले जाएंगे ताकि तुम लोगों का पूरा रिविजन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। किसी को कोई डाउट है थ्योरेटिकल पार्ट में तो आराम से पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो आज के लिए टाटा बाय बाय, बता किसी को अगर कोई डाउट है तो। सर हेलो सर, एमीन है तो अगर मेरे को पारा पे NO2 जोड़ना है तो हम डायरेक्ट नाइट्रेशन करवा सकते हैं? एक मिनट, अगर अमीन है, अमीन या एनिलीन बोल रही है? NH2 तो बेंजीन के ऊपर NH2 ना, हाँ तो एनिलीन हो गया ना, हाँ अगर एनिलीन है तो मेरे को अगर पारा पे NO2 ऐड करना है तो हम डायरेक्ट नाइट्रेशन कर सकते हैं? डायरेक्ट नाइट्रेशन करेंगे तो डायरेक्ट नाइट्रेशन के लिए कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे? एक ऑप्शन ये है कि हम लोग कॉन्केच NO3 यूज करें, उसमें ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा तो ये अपने काम का ज्यादा रिएक्शन नहीं है, बोल सकते हैं ना ऐसा? हाँ। इसलिए काम का रिएक्शन निकल के नहीं आएगा, क्या करें ये चीज सोचना पड़ेगा। और अगर मान लो कि हम लोग प्रोडक्ट और भी बनाने की कोशिश भी करते हैं तो उस केस में अभी तो जस्ट बताया कि यहाँ पे NH2 के रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे NO2 ग्रुप आ जाएगा, तब क्या करें, क्या ऑप्शन है?
डायटाइजेशन करेंगे सर, डायटाइजेशन करेंगे तो हम लोगों का NH2 वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, वो भी अपने किसी काम का नहीं है। और क्या करें, अगर जैसे नॉर्मली कन्वर्जन में होता क्या है ना कि हम लोग 3 से 5 स्टेप सोचते हैं, मिनिमम 3 स्टेप और इन जनरल 5 स्टेप होता है अगर हम लोग कन्वर्जन कराते हैं तो। अगर डाइजोटाइजेशन करेंगे, अभी ये हम लोग का रिएक्शन दे रखा NH2, तो इस केस में जब डाइजोटाइजेशन वाला पार्ट करना शुरू करेंगे तो पहले तो यहाँ से N2+ बनेगा, फिर N2+ बनने के बाद इसका हम लोग H3PO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बेंजीन रिंग बनेगा। अब क्या करें, तो 2 स्टेप तो चलो ठीक है यहाँ पे हो गया, अब एक बार नाइट्रेशन कराए, NO2 का एडिशन हो गया, तो जब एक बार NO2 का एडिशन हो गया तो अगला NO2 वाला पार्ट कहाँ पे जाएगा, अगला NO2 तो मेटापोजिशन पे जाएगा, तो क्या करें फिर, ये कराना फिजिबल दिख रहा है क्या? नहीं। तो क्या करना चाहिए? ये रिएक्शन तो फिजिबल नहीं दिखाई दे रहा, अब क्या करें सर? NH2 में अगर पाइरीडीन AC2O, NH2 में अगर पाइरीडीन AC2O लगा दे तब काम हो जाएगा। यहाँ वाले पार्ट में अगर हम लोग पाइरीडीनियम मतलब पाइरीडीन वाले पार्ट का एडिशन करा दिए तो NHCO CH3 का फॉर्मेशन होगा। अब अगर हम लोग नाइट्रेशन कराते हैं तो इसका बेसिक एक्शन भी कम हो गया, अब हम लोग का ऑक्सीडेशन वाले टाइप का पार्ट नहीं बनना है तो हम लोग, और ऊपर से उसका एसिडिफिकेशन भी नहीं होना है, तब यहाँ पे NO2 ग्रुप का एडिशन करा सकते हैं। फिर हाइड्रोलिसिस करा दो, ये हट जाएगा यहाँ से, ये एक चीज पॉसिबल है। सल्फोनेशन करा सकते हैं, सल्फोनेशन कराया, यहाँ पे सल्फोनिक एसिड वाले पार्ट का एडिशन हो गया, और फिर इप्सो सब्स्टिट्यूशन करा दो, यहाँ वाले पार्ट में नाइट्रेटिंग एजेंट यूज कर लो, तो जब इप्सो सब्स्टिट्यूशन कराएंगे तो SO3H की जगह पे हम लोग को ग्रुप मिल जाएगा, ये काम करा सकते हैं। क्योंकि जैसे ही ये -M ग्रुप अटैच हुआ तो -M ग्रुप अटैच होने का मतलब कि अब ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट नहीं बनने वाला है, ऐसा कंसिडर किया जा सकता है एक बार को, और ये बहुत अच्छा मेथड नहीं रहेगा बट फिर भी कंसिडर किया जा सकता है, बट एसिटाइलेशन वाला पार्ट ज्यादा बेटर तरीका होगा। और कोई डाउट? ऐसा और भी एक तरीका है, ये सोचो यहाँ से हम लोग इसका फॉर्मेशन कराए, ठीक है, अब यहाँ पे काम करते हैं हम हेलोजिनेशन करा देते हैं Cl2 के साथ FeCl3 और 2 इक्विवेलेंट कराते हैं, एक भी नहीं 2 इक्विवेलेंट, तो फिर पॉसिबिलिटी हो सकता है, नहीं 2 इक्विवेलेंट कराएंगे तो कैसे काम हो पाएगा? अच्छा NO2 का एडिशन नहीं हो पाएगा, फिर हो जाएगा NO2 का एडिशन हो जाएगा, पहले क्लोरीनेशन ही करा दो, क्लोरीनेशन कराए तो हम लोग का Cl ग्रुप का एडिशन हो गया, और इसके बाद नाइट्रेशन करा दो, तो जब नाइट्रेशन कराएंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट वाले पार्ट में हम लोग को NO2 पारा पोजिशन पे मिल जाएगा। अब उसके बाद फिर NH2- के साथ रिएक्शन करा दो, SNAR रिएक्शन, तो यहाँ से क्लोरीन वाला पार्ट कटेगा, ऊपर का प्रोडक्ट बन जाएगा। तो एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पांच स्टेप, तो ये रिएक्शन सक्सेसफुल हमको दिखाई दे रहा है। बाकी सब केसेस में और भी प्रोडक्ट बनेंगे बट इस रिएक्शन में केवल वही मेजर प्रोडक्ट निकल के आने वाला है। नॉर्मली 3 से 5 स्टेप कंसिडर किया जा सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी है। और कोई डाउट किसी को? सर अगर ऑर्थो पे करना होगा तो फिर दूसरा उसके लिए मैकेनिज्म होगा? अगर ऑर्थो पे करना होगा तो हम लोग इस तरीके का रिएक्शन तो नहीं कंसिडर करना प्रिफर करेंगे, ठीक है। अगर ऑर्थो पे करना होगा तो पहले एसिटाइलेशन कराओ, ठीक है, सबसे पहले एसिटाइलेशन कराए, एसिटाइलेशन कराने के बाद हम लोग सल्फोनेशन कराए, तो सल्फोनेशन करने से ये जगह ब्लॉक हो गया। अब अगर हम लोग नाइट्रेशन कराएंगे तो यहाँ पे NO2 ग्रुप लाएगा, इसीलिए ये मेथड उतना अच्छा नहीं था कि हम लोग इप्सो सब्स्टिट्यूशन कराए, क्योंकि इप्सो सब्स्टिट्यूशन वाले पार्ट में अगर और पोजीशंस खाली है तो वहां पे भी ग्रुप लगता ही लगता है। तो SO3H वाला पार्ट -M इफेक्ट शो करेगा और NH2 वाला पार्ट +M इफेक्ट शो करेगा, तो इसमें ऑर्थो पोजीशन डोमिनेटिंग हो जाएगा, आराम से यहाँ पे NO2 ग्रुप लगना चाहेगा। तो यहाँ पे नाइट्रेशन कराओ, नाइट्रेशन के लिए हम लोग स्मॉल अमाउंट लेके चल सकते हैं, नाइट्रेशन नाइट्रेटिंग एजेंट का स्मॉल अमाउंट लेके चल लिया, तो हम लोग का NO2 वाला पार्ट यहाँ लग गया। अब उसके बाद डायल्यूट H+ यूज कर लो, तो डायल्यूट H+ में डी सल्फोनेशन होगा, यहाँ से SO3H हट जाएगा तो अपना ऑर्थो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आ जाएगा। ये एक तरीका यूज कर सकते हैं, ज्यादा सुटेबल ऑप्शन होगा आपके लिए। सल्फोनेशन को हम लोग हमेशा एक पोजीशन को ब्लॉक करने के लिए प्रेफरेबली यूज किया करते हैं।
और गुड आउट सर, कन्वर्जन में तो कोई भी फिर मेथड यूज करके बना कोई सकते हैं। हाँ, कन्वर्जन में कोई ऐसा पर्टिकुलर मेथड ऐसा थोड़ा नहीं, एक ही है कन्वर्जन में, तो जो मन में आएगा वो मेथड यूज कर सकते हैं। कन्वर्जन में कोई एक फुल प्रूफ मेथड नहीं है, कन्वर्जन में जो दिमाग में क्लिक करके वो मेथड यूज कर लेने का है। अब बेंजीन का फॉर्मेशन कराना, तो बेंजीन का फॉर्मेशन अगर हम लोग एनिलीन से कराएं तो भी हम लोग के पास तीन तरीका है, तीन रिएजेंट है बेसिकली। पहले डाइटेशन कराया तो आगे चले जा सकते हैं, और डाइटेशन कराने के बाद फिनॉल का फॉर्मेशन करा के डी का वो करा दो, जिंक डस्ट यूज कर लो डायरेक्टली, फॉर्मिक एसिड के साथ हीटिंग यूज कर लो, यूज कर सकते हैं, सब तरीके पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई डाउट? चलो ठीक है, तो आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं आपसे।